वेलकम टू सोनी सीजन। आज की वीडियो में मैं आपके लिए केस स्टडी लेकर आया हूँ एक और बूटस्ट्रैप स्टार्टअप की। कैसे ये स्टार्टअप और बिजनेस इतना सक्सेसफुल बना और कैसे आज ये पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं एंड सबसे बड़ी डायमंड की एक्सपोर्ट कंपनी बनी। एक ऐसी कंपनी जो हर साल अपने एम्प्लॉयज को कार, फ्लैट्स, डायमंड के सेट गिफ्ट कर रही है, कंटिन्यूसली गिफ्ट कर रही है और कंटिन्यूसली कंपनी ग्रो हो रही है, प्रॉफिट्स कमा रही है। इनके हर साल का टर्नओवर 6,000 करोड़ से भी ज्यादा है और करोड़ों का व्यापार ये कर रहे हैं। एक ऐसा किसान का बच्चा जो कि स्कूल ड्रॉप आउट है 13 साल की उम्र में सूरत से जेब में 12.5 रुपए लेकर आया था, 170 रुपए की नौकरी करता था, कैसे आज उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बना दी। सब्जी भाई ढोलकिया इस कंपनी के फाउंडर है। वो जब सूरत आए थे तब वो डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का काम करते थे छोटी सी सैलरी के ऊपर, बट वो रुके नहीं, खुद को उन्होंने अपग्रेड करा, नई नई चीज़ें सीखी, साथ साथ डायमंड ब्रोकर का उन्होंने काम चालू करा और करते करते डायमंड ब्रोकर बन गए। अब उन्होंने देखा कि मैं और नया क्या कर सकता हूँ, डायमंड कटिंग से लेके पॉलिशिंग से लेके ब्रोकर बनने से लेके उन्होंने खुद की एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की सोची और अपने भाइयों के साथ मिलके हरे कृष्णा एक्सपोर्ट को चालू करा 1991 के अंदर। आज इनके पास पूरे हिंदुस्तान में 480 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। सब्जी भाई की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए रोज पढ़ता हूँ। आज मैं आपको इनकी लाइफ और बिजनेस से कुछ लेसन देने वाला हूँ जिनको आप भी अपने लाइफ और बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड तेजी से स्केल एंड ग्रो कर सकते हो। सबसे पहला लेसन, गॉड इज ग्रेट। इनकी बहुत सही बात है, आज के टाइम में जो यंग जनरेशन है वो गॉड को, मेडिटेशन को, इन सबको हम भूल गए और वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, जबकि वेस्टर्न लोग हमारे कल्चर से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप बिजनेस कर रहे हो ना, कभी भी प्रॉब्लम आ रही, कुछ भी हो रहा है, हमेशा भगवान का नाम लेना, देयर इज यूनिवर्स, देयर इज गॉड, जो एक शक्ति है जो आपको गाइड करती है। और आज भी जब मुझे मेरे लाइफ और बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आती है तो मैं भी मंदिर जाता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, इनसे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। आई कैन डू इट। कभी ये मत बोलो कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। आप अपने दिमाग पर ढक्कन लगा रहे हो, सोच को कम कर रहे हो। हमेशा ये सोचो, मैं ये कैसे करूँगा। हर आदमी कुछ भी कर सकता है, आपके पास सोच होनी चाहिए। अब देखिए, सब्जी भाई सिर्फ 13 साल की उम्र में सूरत आए थे, कोई MBA की डिग्री नहीं है, IIT की डिग्री नहीं है, फिर भी ये लोग बिलियंस ऑफ डॉलर का धंधा कर रहे हैं ना, कैसे कर पा रहे हैं, सोच बड़ी है। मैन पावर को लेकर आए अच्छे, जिनको पता है टैग कैसे बनाना है, सेल्स कैसे करनी है, एक्सपोर्ट कैसे करना है। मैन पावर आपको अच्छी चाहिए, कर आप कुछ भी सकते हो। और आपके माइंड के अंदर इतनी पावर है ना कि एक बार अगर आपने किसी चीज़ को ठान लिया तो पूरी दुनिया को आप झुका सकते हो। टुडे इज माय डे। हर रोज खुद को ये बोलो कि आज का दिन मेरा है, आज का दिन सबसे अच्छे जाने वाला है और आज के दिन मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत अच्छा इनपुट दूंगा। आउटपुट आना या ना आना ये देखो किस्मत के ऊपर है, गॉड के ऊपर है, बट हमारे ऊपर है हम कितना अच्छा इनपुट देते हैं। डेली ये मान के चलो कि आज का दिन सबसे बेस्ट होने वाला है, इससे क्या होगा, डेली आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपको भी बहुत बड़ा धंधा करना है, बिजनेस को तेजी से स्केल करना है, तो अच्छे मैन पावर के ऊपर फोकस करो, उनको बोनस दो, इंसेंटिव दो, आउटपुट ड्रिवन लोग लेकर आओ। अगर आप पूरी कंपनी में देखोगे, ऐसा तो है नहीं कि एक्सपोर्ट का धंधा, डायमंड्स का धंधा इन्होंने ही आके चालू करा था। कितने ऐसे बिजनेसमैन होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो सूरत के अंदर, मुंबई के अंदर, पैन इंडिया डायमंड्स का काम कर रहे होंगे, बट ये स्केल अप क्यों करें। मेन चीज़ अच्छी मैन पावर को लेकर आए, वर्क को डेलीगेट करा जिससे एक बड़ी टीम बना पाए और कंटिन्यूसली उनको इंसेंटिव दिया, बोनस दिया, जिससे मैन पावर टिकी इनकी कंपनी में और आज इनका बिजनेस बिलियंस ऑफ डॉलर का बन गया। मैं आशा करता हूँ केस स्टडी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, कंटिन्यूसली वहाँ मैं शॉर्ट्स एंड वीडियोज डालता रहता हूँ। ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों तक पहले सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।